फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपी कुकिंग शो। आज हम हिमाचल की डिश है ये अनरसे, ये बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कप मोटे चावल लिए हैं, जिनको हम दो दिन पानी में भिगो के रखेंगे। और भिगोते हुए ध्यान रखना है कि इसको जब आप भिगोओगे अच्छे से धो लेना है पहले। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे और ध्यान में रखें ये दो दिन भिगो के रखने, स्मेल ना आ जाए। इसलिए हम इस तरह का बर्तन कवर करके ढक्कन इस तरह का लगा के रखेंगे कि इनमें स्मेल ना आए, और इनको दो दिन ऐसे ही भिगो के रखना है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी डिश है ये। हिमाचल में मेले लगते हैं जून जुलाई में, तो बहुत बिकते हैं ये, बहुत बनते हैं। बस उन्हीं जून जुलाई के दिनों में ही बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। और मैंने तो ये डिश अपने भाई को बनाते हुए देखा हुआ है। जब हम छोटे छोटे थे तो वो बनाया करते थे। तो चलो अभी हम इनको दो दिन के लिए भिगो के रखेंगे। दो दिन भिगोने के बाद फ्रेंड्स, हमने इनको पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए अच्छे से किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर रख के सुखा लेना है। ध्यान में रखिए, ये धूप में नहीं सुखाइएगा। और अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। ये हमने ग्राइंड कर लिया, अभी हम अच्छे से इसको छान लेंगे। जो मोटे वाले बीच में बचेंगे उनको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोटे चावल हैं थोड़े, इनको भी हम दोबारा ग्राइंड करेंगे, चीनी के साथ कर लेंगे। 1 कप चावल थे, वैसे ही 1 कप हमने चीनी ग्राइंड कर लेनी है। फ्रेंड, चीनी को भी हम अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम ये जो चीनी का और चावल का मिक्सर है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ये गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, 2-3 चम्मच डालने कि हमारे लड्डू बन सके। इस तरह से लड्डू बना के किसी डब्बे में बंद करके 2-3 दिन के लिए हम रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आज 3रे दिन बाद का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हम मिक्सी में सारे ही लड्डू फोड़ के डाल देंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है, फिर भी हम 1 चम्मच दूध डाल के इनको ग्राइंड करेंगे, एक डो बनाएंगे। बस ये देखिए इस तरह से बन गया है। अभी हम छोटी छोटी इनकी लोइयां बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आप हाथ से भी बना सकते हो, चम्मच से भी इस तरह से बना सकते हो। आके सारी तैयार कर लो। तो फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पे डाल के इसको ऐसे साइडों पे तेल गिराना है कि साइडों से पके। इसको पलटना नहीं है, बस इस तरह से नीचे से ब्राउन हो जाए और साइडों से भी ब्राउन ब्राउन हो जाए, ऊपर तेल गिराते जाना साइडों पे, बस पलटना ही नहीं है इसको। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूँ, इस कंडीशन में धीमी आंच पे जब पका रहे हो तो इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, ये टूट जाएगा। इस पर सिर्फ तेल गिराते जाना है इस तरह। ये देखिए हो गया है, हमने इसको पलटा नहीं है, बस ऊपर घी डाल के पकाया है, नीचे से ही पकाना सिर्फ। अब ये ध्यान में रखना, जब उठाओ इसको तो थोड़ा सा इसको दबा के इसका घी निकाल लेना है। तो ये हमारा अनरसा बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अनरसे बनाइएगा और खाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।